झारखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रघुवर सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी के तहत घाटशिला में महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया और अब उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। रघुवर सरकार के प्रयास से झारखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए झारखंड में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका फायदा सुदूर गांव में रहने वाली घरेलू महिलाएं भी उठा रही हैं। झारक्राफ्ट के माध्यम से मुसाबनी के आदिवासी बहुल गांवों की दर्जनों महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। सरकार की तरफ से इन्हें कपड़ा, सुई धागा और फ्रेम दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को 50 रुपए प्रतिदिन आने जाने का खर्च भी सरकार देती है। और जो भी सीखने को मिलता है, मतलब जैसे एक टीचर आती है हम लोग को सिखाने के लिए, सो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही फायदेमंद है। झारक्राफ्ट के माध्यम से प्रशिक्षण पाने के बाद इन महिलाओं को सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए कच्चा माल इन महिलाओं को दिया जाएगा और तैयार माल इनसे सरकार खरीदेगी, जिससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर होकर समाज में सर उठाकर जी सके। मैं खुद एक प्रशिक्षण दे रही हूँ, तो इसे समझिए कि जब मुझे फायदा है तो आगे चल के इन दीदियों को भी फायदा होगा। तो बहुत अच्छा है, सरकार है और मैंने सरकार बहुत कुछ लेडीज़ों के बारे में सोच रही है, इसके बारे में बहुत से प्रशिक्षण दी जा रही है। छोटी मोटी लघु उद्योग जिसे कहते हैं सर, हमारे देश में तो लघु उद्योग बंद ही हो चुकी थी मेरे ख्याल से, पर अभी सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ पर एक लघु उद्योग भी स्टार्ट हो गया है सर। सरकार की इस पहल से परिवारों में महिलाओं का रुतबा बढ़ेगा और पैसों के लिए उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।